हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। अभी मैं हूँ ज्यूरिख के बाहनहोफस्ट्रासे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है। और बाकी घूमते हैं ज्यूरिख सिटी और एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। तो हम लोग निकल गए होटल से और अब हम जा रहे हैं स्विस नेशनल म्यूज़ियम। तो उसके लिए हमारी ट्रैम है, तो हम आ गए ट्रैम स्टेशन के यहाँ। और बाकी ये देखो आप, कितना सुंदर है ज्यूरिख। लाइक ऑलमोस्ट पूरे सिटी में ये पानी दिखता रहता है, तो बहुत ही सही लगता है। और ये है ज्यूरिख का मेन ट्रेन स्टेशन अंदर से। तो ट्रैम लेके यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ से 2 मिनट का वॉक है म्यूज़ियम के लिए, तो चलते हैं। ट्रेन स्टेशन पे यहाँ पे ना जैसे इन्फो सेंटर है, तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और जैसे देखो, इन्होंने भी ये पास वास रखे हुए हैं, तो आपको जो भी डे पास और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास कुछ भी लेना है वो सब आपको मिल जाएगा। तो हम भी सोच रहे हैं, पूछ लेते हैं कि क्या सीन है यहाँ से। कुछ टिकट्स वगैरह भी आप ले सकते हो। ये ज्यूरिख कार्ड का मैं आपको बता रही थी कि इसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, म्यूज़ियम, बोट क्रूज, रेस्टोरेंट। तो कुछ चीज़ों पर डिस्काउंट मिल जाता है, कुछ चीज़ों पर फ्री एंट्री मिल जाती है। तो हम लोग आ गए म्यूज़ियम के यहाँ। एक्चुअली काफ़ी पास ही है, जैसे यही है इधर सामने ट्रेन स्टेशन जो मेन, और इससे बस पीछे की साइड आके ये म्यूज़ियम है। यहाँ से फिर ना लिमिट क्रूज़ भी चलता है, सो आई थिंक काफ़ी नियर बाय है सब कुछ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अगर सिटी सेंटर में होटल लेते हो तो आप बाय वॉक ही सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। और बाकी जैसे इंडिया से अगर आप आते हो डायरेक्ट फ्लाइट लेके, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ज्यूरिख ही लैंड करोगे। बाकी अगर आप यूरोप के कोई और कंट्री से भी अगर आना चाहते हो स्विट्ज़रलैंड, तो भी बहुत चांसेस हैं कि आपकी ट्रेन ज्यूरिख ही होगी। तो यू नो, आप 1 से 2 दिन 3 दिन जितना आपको अच्छा लगे, मन करे, उतना आप ज्यूरिख का जैसे रख सकते हो ट्रिप। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है स्विस नेशनल म्यूजियम में। तो ये यहाँ पे सारे स्विस एल्प्स का डिपिक्शन है, और यहाँ पे वीआर में आप पूरा देख भी सकते हो कि कौन सी माउंटेन रीजन कौन सी है। ये ऐसे लग रहा है वैष्णो देवी की चढ़ाई करनी है। ज़्यादा ही एडवांस लेवल का है ये, इतना भारी ऐसे लग रहा है इसको पहन के लड़ाई कैसे हुए, हिला ना जाए मुझसे तो। ये आई वॉन्ट टू नो, ये किंग्स वगैरह की यूनिफॉर्म होती थी या जैसे गार्ड्स वार्ड्स की होती है, क्या सीन क्या है, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली इंग्लिश में बता दें, ये मामला बढ़िया है, मैं भी रानी बन गई। तो म्यूज़ियम हमने देख लिया है, इंटरेस्टिंग था। वैसे हम लोग को ज़्यादा मज़े नहीं आते हैं म्यूज़ियम वगैरह में, बट ऐसे स्विट्ज़रलैंड की हिस्ट्री के बारे में, जो यहाँ पे एल्प्स वेल्प्स हैं, जो नेचर है, उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चला। सो अगर इन सब में आपको इंटरेस्ट है तो आप देखने आ सकते हैं। तो मैंने विंडो सीट हड़प ली है और अब मैं व्यू को एंजॉय करूँगी ज़्यादा अच्छे से। सचिन बेचारे सारी रिसर्च करते रहते हैं, जाना कहाँ है, कौन सी टिकट लेनी है, और फिर उसके बाद में उसका मज़ा मैं लेती हूँ। तो शिल्पा ने बोला कि मैं तो वीडियो में आया नहीं। तो हेलो एवरीवन, मैं भी आ चुका हूँ और बाकी घूम रहे हैं ज्यूरिख, बड़ा मज़ा आ रहा है। म्यूज़ियम कैसा लगा? म्यूज़ियम ओके, कुछ चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, टू बी ऑनेस्ट। उनकी जो पुरानी ड्रेसेस थी, और बेसिकली उन्होंने जो हथियार बहुत ही सॉलिड लगे, और ऑर्नामेंट जो इनके थे, जो ज्वेलरी थी, वो भी मतलब ऐसा था कि जो इंडिया में भी कॉमन है ना, वैसी सी कुछ कुछ सिमिलरिटीज भी लगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कुछ कुछ चीज़ें, और बाकी कुछ थोड़ा बहुत बोरिंग भी था, बट एनी हाउ ओवरऑल वर्थ इट था। अगर आपके पास ज्यूरिख कार्ड है तो बेसिकली आ सकते हो। कल हम लोगों ने ये वाला
वाला लिया था, बोट क्रूज जो सिर्फ लेक ज्यूरिक के यहाँ चलता है, और आज हमने ये लिमिट रिवर का क्रूज लिया जो सिटी के अंदर कैनाल्स में भी जाता है प्लस यहाँ पे भी लाता है। तो वो बोट से हम उतर गए हैं, लेक ज्यूरिक का ही कोई स्टॉप है वहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे कुछ ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर करने के, एक तो म्यूज़ियम है वो शायद हम अपनी जाएंगे, बट जैसे चाइनीज़ गार्डन है, बोटैनिकल गार्डन है, तो वो देखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो चलते हैं और अब वो एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे होने वाले हैं। बाकी ये इतनी ज़्यादा बड़ी लेक है, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स है, तो जैसे जैसे आप थोड़ा बाहर की साइड आगे जाओगे आप देखोगे कि ना बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने ना मिनी अपने बीच स्पॉट्स बना रखे हैं, जैसे पीछे भी यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, सो ये भी काफ़ी सही चीज़ है, समर में आप पूरा बीच फील्स ले सकते हो। यहाँ से काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है एक्चुअली, क्योंकि पीछे पूरी लेक है और फिर जैसे गार्डन भी है, तो एकदम पूरा ग्रीनरी और पानी का कॉम्बिनेशन, ऐसे मन कर बस बैठ जाएं और बस कुछ खाते रहें और सुकून से यू नो टाइम स्पेंड करें। और अब हम आ गए हैं चाइनीज़ गार्डन के अंदर, तो एक्सप्लोर करते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्चुअली, ऐसा लग रहा है चाइना में आ गए, सो लेट्स सी। और मैं पहली बार जैसे ना इन रियल ऐसा मतलब चाइनीज़ आर्किटेक्चर देख रही हूँ, तो काफ़ी ऐसे अच्छा लग रहा है, क्लोज टू इंडिया फील हो रहा है। फ्रैंकफर्ट में भी आई थिंक एक चाइनीज़ गार्डन, तो अब ऐसे लग रहा है वहाँ पर भी जाना पड़ेगा। हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे फोटो स्पॉट्स ढूंढ रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी कलरफुल है ये गार्डन, तो मैं यहाँ आके खड़ी हो गई हूँ, सचिन कहीं दूर से मेरी फ़ोटो ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा, डिफरेंट एंड यूनिक एक्सपीरियंस, छोटा सा ही था, लाइक 10 मिनट्स में बस एक वॉक अराउंड है वैसा हो गया, बट ऐसे बहुत ही सुंदर और पीसफुल था, है ना, ऐसे बहुत मज़े आए। अच्छा, तो अभी चलते हैं फिर, नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है भाई शिल्पा? खाना। अच्छा, फिर खाने के लिए सर्च करते हैं कहाँ जाने का है और फिर क्विकली चलते हैं। ऑलरेडी मुझे लग रहा है 2 से ऊपर हो गया है यार। हाँ। ओ, 2:30 बजने वाले हैं, सो लेट्स गो क्विकली। यूरोप में ना समर लाइफ काफी अच्छी है, जैसे आप ना आउटडोर काफी कुछ इंजॉय कर सकते हो, विंटर में तो बस घर में ये चाइना गार्डन के यहीं पे एक और म्यूज़ियम भी है, तो आपको शौक है तो आप इस वाले को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हम लोग लंच के लिए आए हैं एक थाई रेस्टोरेंट, एक्चुअली मल्टी एशियन कुजीन बोल सकते हो, और सबसे पहले जो चीज़ हमने मंगवाई है वो है डिम सम्स। मैं फ़र्स्ट टाइम चॉपस्टिक से खाने का ट्राई करने वाली हूँ, अभी यूट्यूब किया कि कैसे खाते हैं, सो लेट्स सी मैं खा पाऊँगी। Not bad for the first time, no? I did it. तो हमने मंगाया पनीर मखनी, जैस्मिन राइस और सैलेड, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है जयपुर सैलेड। आई वाज लाइक ये तो मैं लूंगी। तो अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ वॉक करते करते। बाकी स्विट्जरलैंड के मतलब पानी के बारे में मैं बात बोलना चाहती हूँ एक, कि जो यहाँ पे पानी का कलर है और जितना सुंदर पानी मतलब स्विस में देखा है ना यहाँ की लेक्स में, वैसा पानी कहीं नहीं देखा यार। कुछ तो है मतलब जो ये एल्प्स का पानी आता है उसमें, ये एल्प से सीधा ही आता है और यहीं पे रहता है, इसीलिए इतना फ्रेश है। जैसे मैंने कुछ वीडियो रिसेंटली लद्दाख वगैरह के देखे तो वहाँ पे भी जो पानी आ रहा है उसका भी कलर यही है। हाँ। बस वही है, वो आगे आके थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। हाँ। बट यार ज्यूरिक में वाइब बहुत बढ़िया है और पार्टी वाइब भी बहुत ज्यादा यंग क्राउड भी है, तो अगर आप बेसिकली अगर यू नो पार्टी वार्टी भी करने आ रहे हो, घूमने भी आ रहे हो, तो दोनों चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। हाँ शिल्पा, तो हमें मिल गए हैं। ये कह रहे थे कि फोटो ही ठीक है। नहीं नहीं, एनी हाउ वीडियो बनाते हैं। सो व्हाट्स योर नेम? आपका नाम? आकाश। आकाश और आप? निधि। आकाश और निधि सीधे नॉर्वे से यहाँ पे आए घूमने के लिए और हमें इन्होंने वो स्पॉट कर लिया। हम चल के जा रहे थे, पीछे से आवाज आई सचिन, मैंने बोला ये कौन मेरा दोस्त आ गया। इन्होंने ट्राम छोड़ी है फोटो मतलब मिलने के लिए, तो मतलब बहुत बड़ी बात है यार। बहुत बहुत आपको थैंक यू। मुझे तो लगा वहाँ से कौन बंदा आ रहा है, I'm like कि भाई कोई भूला बिछड़ा मेरा दोस्त तो नहीं आ रहा, बट एनी बहुत अच्छा लगा मिलके। ये लोग ये भी राजस्थान से हैं, कोटा से। चलिए फिर इनको ज्यादा डिले नहीं करते हैं, इनको लेनी है फ्लाइट नॉर्वे के लिए। तो घुमाई चल रही है, ब्रिज एक्सप्लोर हो रहे हैं, नदी का व्यू इंजॉय किया जा रहा है, और मुझे बोलना नहीं आ रहा है कि कैसे बोलना चाहिए व्लॉग्स में, बट एनी हाउ कोशिश कर लेंगे, सीख लेंगे।
मुझे सोना है। और शिल्पा को कोई लाइन नहीं याद आ रही तो शिल्पा ऐसे ऐसे पंछी बन रही है। सो गाइस, अभी जस्ट होटल के पास में ETH ज्यूरी का कैंपस था, उसका बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है शिल्पा ने। हाँ, हम दोनों ने मिलकर बनाया है और बाकी वो आपको अलग से देखने को मिलेगा। और बाकी अभी बस हम बैठे हैं ट्रैम स्टेशन और जाएंगे एक ना यहाँ पे वो है क्लॉक म्यूजियम है। सो स्विट्जरलैंड में ऑफकोर्स आई मीन घड़ियों का मतलब जन्नत है यहाँ, तो हमने सोचा वो देख लेते हैं। तो वो देखने का प्लान है। ऑलमोस्ट पूरा ज्यूरिख छान मारा है ट्रैम्स में बैठ बैठ के, और काफ़ी कुछ देखने को मिला नया नया जो मतलब ना वॉक से इतना नहीं देख पाते शायद। बाकी ट्रैम्स की कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लाइक लिटरली ऐसे एक एक मिनट में है ना ट्रैम्स मिल जा रही हैं और कहीं का कहीं भी जाना हो तो पहुंच पा रहे हैं। वेरी नाइस। तो आ गए हम लोग फिर से बानॉफ स्ट्रासे द शॉपिंग स्ट्रीट, यहीं आने का मन करता है मेरा तो बार बार। आज हम फिर से आ गए हिल्टन हाउस में क्योंकि ये पास में था और यहाँ का खाना एक्चुअली काफ़ी अच्छा था, तो हमने सोचा एक बार और हो जाए। सो आज हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ का बूफे और काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। समोसा है, अगेन पनीर है, ब्लैक दाल है, चना दाल है और पकोड़ा है, स्प्रिंग रोल है। सो आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। अभी जा रहे हैं क्लॉक म्यूजियम क्योंकि स्विट्जरलैंड है तो क्लॉक्स और वॉचेस के बारे में तो जानना बनता ही बनता है। सो लेट्स सी कैसा होने वाला है। म्यूजियम में आते स्टार्ट हमने किया है ये वाले स्टिक्स यहाँ पे रखे हुए थे, और इनके बारे में जब हमने देखा तो पता चला ये इंडियन ओरिजिन से है और इन पे एक्चुअली ये हमारे हिंदी महीनों के नाम भी लिखे हुए हैं, वैसाखी, चैत और ये सब। ये देखो यहाँ पे फागुन, और अगर इसमें देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 18th century में इंडियन और नॉर्थन यूरोपियन रीजन में जैसे ये सन डायल का काम करती थी। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे टाइप के जो यू नो पहले के ज़मानों में किस हिसाब से टाइम वगैरह देखने जाने के यू नो पता किए जाते थे वो सब यहाँ पे रखे हुए हैं, तो फाइंड आउट करते हैं। और ये कितना फैसिनेटिंग लग रहा है, ये यहाँ पे कैंडल रखी हुई है और उस पर कुछ नंबरिंग करी गई है, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि ये क्या कैंडल क्लॉक है। तो पता चला कि बेसिकली इसको रात को जला के और सुबह तक ये जलती थी तो उससे घंटों का पता लग जाता था, और इसको अलार्म क्लॉक के जैसे भी यूज़ करते थे, मतलब इसको बीच में कुछ लगा दिया इसके और फिर जैसे जितनी भी बजे वो टाइम हो जाएगा तो वो गिर जाती थी और उससे साउंड होता था तो मतलब लोग उठ जाते थे। वाह, मतलब ये अलार्म का काम कर देती थी, और आज के ज़माने में 50 अलार्म क्लॉक बजने पे भी ये इंसान नहीं उठता है। हम हमारे पास यूज का ऑप्शन है। उस टाइम में क्या होता था, वो मेटल का कुछ तो लगाएंगे वो गिरेगा और आवाज़ आ जाएगी और आज उठ जाएगा, उसमें दोबारा अलार्म लगाने का तो ऑप्शन है। और आपके तो अलार्म पूरे दिन बजते हैं। इसमें भी काफ़ी तकड़ा मैकेनिज्म लगाया गया है, ऐसा लग रहा है यहीं से होते होते घड़ियाँ छोटी होती होती चली गई। बाप रे, ये वाली वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लॉक है और इसमें अभी भी कुछ कुछ तो चल रहा है। क्या चल रहा है एग्जैक्टली, कैसे चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ से पूरा शुरू होता है जैसे कि सबसे पहले कौन सी वॉचेस थी, एंड देन अगर ऐसे आते जाओ आप पूरा तो कैसे कैसे इवॉल्व होती गई वॉचेस, वो पूरा यहाँ पे लगा हुआ है। एंड देन ये वाला जो रूम है इसमें है सारी नई वॉचेस। सचिन पूरा देख रहे हैं आईपैड पे कि किस वॉच के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे सारी नई वॉचेस का कलेक्शन आ गया, ये वाली जो आज के दिनों में यूज़ होती हैं। सो गाइज, दैट्स इट फॉर आवर ज्यूरिख ट्रिप। आई होप आपको ज्यूरिख देखना अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो और आप लोग भी आते हो तो हमको टैग करना इंस्टाग्राम पे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।